दोस्तों, अगर आपका फ़ोन कम रैम का है या फिर आपकी इंटरनल स्टोरेज भरी हुई है और आपका फ़ोन हैंग करने लगता है, तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपका फ़ोन हैंग नहीं करेगा और वह तेज़ी के साथ चलने भी लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले सेटिंग्स में जाते हैं और सेटिंग्स में आने के बाद हम यहाँ पर अबाउट फ़ोन में चलते हैं और अबाउट फ़ोन में आने के बाद यहाँ पर बिल्ड नंबर पर हम 7 बार टैप करेंगे तो डेवलपर मोड ऑन हो जाएगा। और डेवलपर मोड पर हम चलते हैं, यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन लिखा हुआ है, हम डेवलपर ऑप्शन को हम यहाँ पर ऑन कर लेते हैं। और ऑन करने के बाद हम यहाँ पर नीचे आते हैं। वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ विंडो एनिमेशन जूम, हम इसको 0.5 पर कर लेते हैं। और यहाँ पर दूसरे नंबर पर भी लिखा हो, यहाँ पर हम 0.5 कर लेते हैं। और यहाँ तीसरे नंबर पर एनिमेटर को भी 0.5 पर कर लेते हैं। चलिए, हमारा फ़ोन रेडी हो चुका है। चलिए देख सकते हैं ये आप कितनी तेज़ से काम कर रहा है। चलिए, मैं अगर कोई भी ऐप खोलेंगे चाहे जो करिए, आपको ये काफ़ी तेज़ी के साथ चलने लगेगा आपका फ़ोन। अगर आप इन तीनों का मतलब जानना चाहते हैं, चलिए हम उसको भी दिखा सकते हैं। चलिए, यहाँ पर मैं डेवलपर ऑप्शन में चलता हूँ और डेवलपर ऑप्शन के मैं आने के बाद मैं उन्हीं तीनों के पास जाऊंगा और उनको सबको बढ़ा दूंगा। चलिए, जैसे 0.5 पर था, मैं इसको 5 गुने पर कर देता हूँ तीनों को, तो आपका मतलब ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। चलिए, उन तीनों को दिखा देते हैं। ये देखिए, यहाँ पर सारे स्लाइडिंग धीरे धीरे हो रहे हैं और ये बहुत बोरिंग लग रहा है। ये देखिए, और जैसे मैं ऊपर भी खोल रहा हूँ, ये देखिए धीरे धीरे सब कुछ हो रहा है। और यहाँ पर अगर कीपैड भी खोलेंगे तो यहाँ पर सब कुछ धीरे धीरे होगा। अब कोई भी ऐप्स खोलेंगे तो भी ये धीरे धीरे खुलेंगे। तो इसके लिए हम इसको फिर से 0.5 पर कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।